हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका होगा ज़रूर चैनल में। केक, ढोकला, ऐसी बहुत सारी डिशेस हम जब देखते हैं और उनको ट्राई करते हैं तो एक जो बहुत मेजर पॉइंट आता है वो ये आता है कि मेजर करना, यानी कि चीज़ों की कितनी क्वांटिटी लेनी है उसको नापना कैसे किया जाए। अक्सर क्या होता है कि YouTube में यूज़ किए जाते हैं मेजरिंग स्पून्स, और हमारे पास घर में होती है सिंपल ग्लास कटोरी, स्टील के स्पून और साधारण से किचन के हमारे जो यूटेंसिल्स। अब जैसा कि मान लीजिए मैं इस कटोरी का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो अब ये कैसे पता लगेगा कि आपके घर की कटोरी थोड़ी डिफरेंट होगी? तो क्या करना है, ये कोई भी पैकेट है, ये मान लीजिए मैंने सूजी का पैकेट लिया है, ये सूजी का पैकेट यहाँ पर लिखा है कि 500 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। तो आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, सूजी, बेसन, क्या आप वैसे भी मेजरमेंट करा के जब दुकान से तुलवा कर खुला भी लाते हैं तब भी हमें एक पॉली बैग में मिलता है कि ये आधा किलो चीज़ है, कितना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ले लिया ये सूजी। अब जिस भी चीज़ से आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए कटोरी, कप, अब उसका हम नाप कैसे करेंगे? इसमें से यूज़ नहीं किया है, पूरा आधा किलो सूजी हम जो लाए हैं वो है। आप उसमें कटोरी को भरिए, ये कटोरी मैंने पूरा अच्छे से भर दिया, एक कटोरी। दो कटोरी, ये तो आधी कटोरी के करीब ये है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो मेरे पास ये वाली कटोरी है मीडियम से साइज की, वो आधा किलो जो सूजी रहती है वो ढाई कटोरी में उसमें आ जाती है। तो इस तरीके से आप कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम मैदा इस कटोरी से नाप रहे हैं, बेसन नाप रहे हैं, तो हल्का बहुत फ़र्क आएगा, लेकिन एक रफ़ आइडिया हमें लग गया कि आधा किलो का जो पैकिंग हम ला रहे हैं, आधा किलो का मेजरमेंट, वो इसमें ढाई कटोरी में हो जाता है। तो इस तरीके से ये करीब करीब 200 ग्राम इस एक कटोरी में जो आ जाती है सूजी हमारी, तो 200, 200 और फिर 100 ग्राम, 500 ग्राम हो गया। तो 200 ग्राम मेजरमेंट हमारी इस कटोरी का ताज़ा लग गया। और जब भी किसी वीडियो में कहा जा रहा है कि एक कप लो या कितने ग्राम लो, आधा किलो लो, तो आप इस तरीके से नापकर अपनी कटोरी को मेजर कर सकते हैं और आगे की रेसिपी बना सकते हैं, है ना, ये बिल्कुल आसान विधि। अब चलिए आगे जानते हैं। अब अगली जो चीज़ यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है टी स्पून, टेबल स्पून, या तो ये कि हम मेजरिंग स्पून खरीदें, या फिर ये देखिए इस तरीके से स्पून्स को देखिए ध्यान से। हमारे पास अक्सर इस तरीके का छोटा सा स्पून रहता है, ये एक्चुअली में टी स्पून है, और ये जो बड़ा स्पून रहता है जिससे हम सूप वगैरह पीते हैं ना, वो टेबल स्पून होता है। या आप यूँ समझ लीजिए, ये जो एक टी स्पून हम जब भी बोलते हैं वो 5 ml की क्वांटिटी होती है उसकी नियर अबाउट, और तीन बार ये एक टी स्पून को, 1, 2, 3, तीन बार ये एक टी स्पून को अगर आप ले लेंगे तो वो बन जाएगा एक टेबल स्पून, यानी कि एक टेबल स्पून 3 टीस्पून के बराबर है, और एक टेबल स्पून हो जाता है 15 ml। ये हमारे टीस्पून टेबल स्पून जब हो जाएंगे, तो अगर हाफ डालना है तो टीस्पून को आधा क्वांटिटी लेनी, और फिर अगर 1/4 करना है तो वो तो हम सब लेडीज़ के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, मान लीजिए किसी डिश में आपको टीस्पून डालना है एक, जैसे जनरली एक टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, जैसे केक की एक रेसिपी में से मैंने एक क्लिप ली है, तो आपको इस तरीके से उंगली रखकर लेवल कर देना है, ये जो हीप या ऊपर भर के बन जाता है ना, वैसे कभी मत डालिए। टीस्पून का मतलब है आपने चम्मच में लिया, उसको बाकी ऊपर से हटा दिया, भर गया पूरा चम्मच, उसको हटाकर उसको बराबर कर दिया, लेवल कर दिया, वो हो जाएगा टीस्पून। अब हाफ डालना था बेकिंग सोडा, तो आधा चम्मच लेकर उसको बिल्कुल बराबर बराबर कर दिया। तो ये हैं सिंपल सिंपल से तरीके जिससे आप मेजर कर सकते हैं, कप से, कटोरी से, आम घर के चम्मच से भी आप हर रेसिपी को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। तो चलिए इन शानदार टिप्स के साथ ही क्यों ना मैं आपको दो बोनस टिप्स बताऊं। तो चलिए पहली बोनस टिप में, अगर आप ढोकला बनाते हैं तो
कड़ी पत्ते का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। तो अगर कड़ी पत्ते का फ्लेवर आपको हर डिश में काफ़ी पसंद है और कड़ी पत्ते का पौधा नहीं है आपके पास, अगर तो पौधा है तो इट्स वेल एंड गुड, आप जब चाहें उनको तोड़कर पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में उसका पौधा नहीं है तो आप इस तरीके से एक बारी में पौधे से पत्ते ले आइए और फिर उसको एक कंटेनर में, जैसे मैंने इस तरीके के डिब्बे में डाला है जिसका एयर टाइट ढक्कन है, उसमें लगाकर रख दीजिए अपनी कैबिनेट में और कम से कम 10 दिन, 10 दिन में उन पत्तों का बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं आपको यही दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये 10 दिन के बाद मैं आपको कड़ी पत्ते के पत्ते दिखा रही हूँ, बिल्कुल करीब से आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखे नहीं है। वैसे इनको हल्का हल्का सूखने पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये देखिए 10 दिन में इनका बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ये पहली हो गई आपके लिए टिप। और दूसरी बोनस टिप मैं आपको बताने वाली हूँ मिक्सर जूसर या प्रोसेसर को लेकर, कि जैसे कि मेरे पास जो इनालसा का फूड प्रोसेसर है उसमें जो मिल्क शेकर है वो प्लास्टिक में है, तो उसमें एक महक आती है जब हम उसको यूज़ करके रखते हैं उसको। तो उसका एक तरीका मैं आपको बताऊंगी, जब भी आपको मिल्क बनाना है, कुछ भी बनाना है जग में, तो खाली पानी डालिए, 3-4 राउंड लगावा दीजिए और उसको फेंक दीजिए। उस पानी में जितनी भी महक होगी, जो असर होगा, वो हट जाएगा और आपको बिल्कुल तुरंत ही महक आनी बंद हो जाएगी उस जग में से। और फिर आप आराम से उसमें कोई भी मैंगो शेक, रूह अफ़ज़ा शेक, जो आपको पसंद है बना सकते हैं। ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं और अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें थम्स अप का आइकन क्लिक करके, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का आइकन क्लिक करके घंटी के बटन को दबा दें। इन वीडियोज़ को शेयर करें उन बाकी फ्रेंड्स को भी जो रेसिपीज़ तो बहुत बनाना चाहते हैं पर कैसे चीज़ों को नापें, कैसे मेजर करें, इस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।